जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्मों जन्मांतर किया ये कड़िया। पत्थर लग गया। हे महादेव, मेरे सारे दोस्तों की विश पूरी कर देना भाई, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मतलब कर रहे हैं, सबकी विश पूरी कर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, हर हर महादेव। सो गाइस यहाँ पे वाली मूर्ति चढ़ा के जा रहे हैं। देखो गाइस प्रॉपर धान की है, पूरे धान के पौधे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो कैसे हम सब लोग, आई होप के अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। सो आज का मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, आज हम गुंजी पे, कल रात हम गुंजी पे रुके थे। सुबह तक प्लान ये हो रहा था ना कि कभी आदि कैलाश का हो रहा था, कभी ओम पर्वत का हो रहा था। तो अभी फाइनल डिसीजन हो गया है कि अभी हम जा रहे हैं आदि कैलाश की ओर, जो इस साइड पे पड़ेगा, ठीक है। अभी मौसम काफ़ी साफ हो रहा है और ये है गुंजी, और ये था भैया का स्टे, आदि कैलाश होम स्टे गुंजी, जो हमारे लोकल के थे। तो बढ़िया था यार, एकदम से ना काफ़ी बढ़िया रहा। और इस साइड पर पड़ेगा आपके ओम पर्वत और यहाँ पड़ेगा आदि कैलाश। तो चलते हैं यहाँ से सीधे आदि कैलाश की ओर, सारे राइडर्स तैयार हैं। कहाँ जा रहे हैं? आदि कैलाश, आदि कैलाश, आदि कैलाश। तो चलते हैं आदि कैलाश, फिर दिखाते हैं आपको क्या है सीन। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं हम आदि कैलाश की ओर। हर हर महादेव। देख रहे हो कल रात बारिश होने की, उससे रोड रोड कैसी हो रही है यहाँ की। सामने वाले पहाड़ देखो गाइस, कितने मस्त लग रहे हैं यार भाई, एकदम से बर्फ़ पड़ रही है ना, काफ़ी मस्त लग रहे हैं। ओ भाई साहब, अभी तो प्रॉपर ऐसे वाले पहाड़ दिखते रहेंगे गाइस आपको। और राइडर्स थोड़े से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि मैं गैर स्वेज लगा रहा था तो थोड़े लेट हो गया। और ये जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, आने वाले कुछ टाइम पे तो भाई काफ़ी मस्त दिखते हैं। और बता दें, ये वाला इस साइड का टूटा नहीं है, वो इसलिए चेंज किया ना, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है इस साइड का, तो वो चेंज करा के वो रूम भी रख दिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, आवाज़ आई नहीं हुई, नॉइस आ रही होगी पीछे से। वो रहे सारे राइडर्स इनके साथ साथ चलते रहते हैं। मस्त है यार, 20 किलोमीटर तक आदि कैलाश की भी एकदम मस्त है, उसके बाद का जो होगा देखी जाएगी। और राइडर्स का पीछा कर लिया हमने भी। ये काफ़ी मस्त वाला व्यू है यार, इतना मतलब यहाँ पर भी होम स्टे टाइप के रहते हैं। ओ ये काफ़ी मस्त, और ये वाले मंदिर देखो, ये वाले सामने पे, ये वाला और ये वाला काफ़ी मस्त लग रहा है ना ऐसे। ओए हो, यहाँ पे तिब्बत फ्लैग नहीं लगा रहे हैं, तिब्बत फ्लैग वाला इतना मस्त लगता है ना भाई, मत पूछो। ओम नमः शिवाय, काफ़ी मस्त मंदिर बना रखे हैं यार, शिवालय है ये भी। ये कितना मस्त लग रहा है यार गाइस, है ना। चलो चेक कराते हैं। ये सामने पे देखो, इतने मस्त वाले पहाड़ है और नीचे पे ये वाला गांव, इतना मस्त लग रहा है यार। चेक करो गाइस भाई, इतना मस्त लग रहा है, नदी के ऊपर से बीचों बीच सामने से रोड जा रही है भाई। सो गाइस, फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है हमारी। आया गाइस एक राइडर, 05 cents from Hill. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है भाई, हालत हो रही है एकदम से ख़राब। ये राइडर बीचों बीच से रोडी रोड लेके आ रहे हैं, हम यहाँ से एकदम खड़े से लेके आए, लेकिन ये लोग सब रोडी रोड लेके आ रहे हैं। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, नाक पूरी लाल हो गई, ठंडा बहुत ज़्यादा है।
और एक प्यारा सा गाँव और एक सामने पे, वहाँ जाके पूछते हैं लोगों से क्या है जगह ना। ये फुल पावर के साथ गाइस काफ़ी ज़्यादा कीचड़े भाई, यहाँ बुलेट वाले भैया फंस चुके हैं, वही तो पत्थर लग रहे हैं नीचे, आराम से। वेलकम टू कुटी। कुटिया कुटी जगह ना, और पास दिखा दें और फिर चलते हैं आगे। जय श्री राम गाइस, एक नाला और आ चुका है। जय बजरंग बली। जय श्री राम। ये 4x4 देखने कैसे चढ़ाते हैं। 1 2 3 ये 4x4 का कमाल भाई, पूरा टायर ऊपर तक उड़ गया यार, गजब गजब। सामने चेक करो गाइस, काफ़ी प्यारा पहाड़ दिख रहा है, और ये है बर्फ के बीचों बीच जाएंगे हम अभी, ठीक है। गाइस पीछे का टायर, ओरे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस देख रहे हो काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये दोनों पहाड़ों के बीचों बीच निकल रहे हैं हम, है ना, काफ़ी मस्त है यार। सो इसके साथ गणेश नाला में तो पहुंच चुका है, लेकिन भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी, सर दर्द हो रहा है और भाई सांस भी नहीं लिया जा रहा है यार, पता नहीं क्यों यार। और ये वाला है गणेश नाला, इसको पार करना है भाई, बहुत ज़्यादा आफत है यार, सर दर्द हो रहा है भाई और सांस तो ली नहीं जा रही भाई। चलो गणेश नाला वैसे भी पार करना है यार, फिर थोड़ा ही बचा यहाँ से। फिर भाई ये बहुत गहरा है यार, बहुत गहरा है भाई, पूरी गाड़ी का टायर डूब गया, इंजन गाड़ी का डूब गया। भाई बड़े बड़े पत्थर है और गहरा है यार। सियापति रामचंद्र की जय। कहाँ पर गड्ढा, पत्थर लग गया। अरे गड्ढे में अटक गई यार, पीछे का टायर पूरा गड्ढे में था, बर्न आउट मार रहा था पैर गाइस। हाँ पैर ठंडे, बहुत ठंडा पानी भाई का भी मेरा जैसा हो गया भाई, पीछे का टायर एकदम से गड्ढे में भाई, और बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है भाई, पीछे का टायर पूरा घिस गया, ये पूरी गिरी घिस गई। कल काटा गाना भैया मिल रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं ये यहाँ पे है, अभी दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ढका हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बस पहुँच ही गए हैं आधी कला से, ये है पार्वती कुंड, ये वाला है, और यहाँ पर पास उगड़ते हैं फिर जाते हैं अभी की ओर। पहुँच गए गाइस, ये जगह नाम क्या था यार, जोलीकोंग चाइना बॉर्डर। ओ ये अपने लियो, लियो को लगा लिया, इससे आगे मतलब बाइक वाइक का पास नहीं है भाई, तो देख सकते हो आप व्यू चेक करो भाई, कितना मस्त लग रहा है यार यूं। अरे कहाँ आ चुके हम स्वर्ग पे, वैसे बोल रहा हूँ, खाते हैं अभी मैगी भाई,
हालत देख रहे हो सबकी एकदम डाउन है। उसके बाद चलेंगे पार्वती कुंड और गौरी कुंड, फिर दिखाएंगे आपको आदि कला। दर्शन कराए तो मैं हर महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है भाई, महादेव उन सबकी विश पूरी कर देना भाई, और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं ना उन सबकी विश पूरी कर देना भाई। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। हर हर महादेव, मतलब कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हे महादेव, जो भी कमेंट में हर हर महादेव लिख रहा है उसकी विश सबसे पहले पूरी कर देना, ठीक है? और जो मैंने विश मांगी हो तो पूरी कर देना मेरे दोस्तों की। यह हर हर महादेव गाइस, जो सामने पे दिख रहा है यह आदि कैलाश। एंड थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए भी विश मांगी है, सो दर्शन कर लो। और उसके बाद हम जा रहे हैं पार्वती कुंड, उसके बाद जाएंगे गौरी कुंड, ठीक है? और वो सामने पे है, ये वाला है आदि कैलाश। हर हर महादेव। गाइस ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है भाई, आफत आ गई यार, सबकी हालत ख़राब है भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम वो बेस कैंप से यहाँ निकले हैं, हम चढ़े हैं पूरा आधा घंटा लग गया अभी, हम चढ़े हैं 200 या 300 मीटर बस, उसमें ही हमारी सांस फूल गई है। हाँ। तो ये है आपका आदि कैलाश जो आपको सामने दिखता है। वैसे रोड तो यहाँ तक आती है लेकिन यहाँ पर मना किया गया है आर्मी के द्वारा। अभी हमको निकलना है यहाँ सीधे रोड बाई रोड पार्वती कुंड के लिए, वो उसके पीछे है। तो हम आपको हम मिलते हैं आपको उसके पहुंचने के बाद। फाइनली गाइस अपने लास्ट उससे पहुंच ही चुके हैं। यह है माता पार्वती का मंदिर और पीछे पार्वती सरोवर। चलो आगे जाके दिखाते हैं। जय माता दी। गाइस ये है पार्वती सरोवर। जय माता दी। भाई साहब सांसें काफ़ी ज़्यादा फूल रही है। और लास्ट डेस्टिनेशन यही थी हमारी, और लास्ट लोकेशन यही थी भाई, यहीं तक आना था। तो और ये दर्शन कर लो भाई, ठीक है? जय माता दी। तो वैसे ही यहाँ का मंदिर दर्शन कर लो भाई, और पीछे देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है भाई। गाइस जो एक गौरी कुंड है आपको इसके बारे में पता है? इसकी कहानी क्या है कि भस्मासुर था ना, एक भस्मासुर नाम का राक्षस था। तो माता पार्वती नहा रही होंगी या फिर कुछ कर रही होंगी, तो उसने माता पार्वती पे गलत नज़र डाली थी, ठीक है? तो माता पार्वती ने उसको भस्म कर दिया था। तो फिर यही सरोवर था और यहीं कहीं भस्म कर दिया था, ये बता रहे हैं पीछे से शायद। तो ऊपर पे पीछे पे जहाँ पे भभूति मिलती है यहाँ भस्म कर दिया था, और ये माता यहाँ पे नहाने के लिए आती थी सरोवर पे, और उसने गलत नज़र डाली तो उसको भस्म कर दिया। तो देख सकते हो ये। सो गाइस ये वाली रही धान की खेती। तो वो धान की खेती वाली स्टोरी बताई थी शायद अभी मैंने। धान की खेती वाली स्टोरी ये थी ना कि मतलब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा था कि मतलब भांग पीते थे यहाँ पे, तो भांग लगाते थे वो। तो जो पंडित जी ने बताई थी हमें ये स्टोरी, तो यहाँ पे भांग लगाते थे। तो माता पार्वती ने कहा क्या ये तुम भांग भांग पीते रहते हो, मैं यहाँ पे खेती करना चाहती हूँ। तो फिर माता पार्वती ने यहाँ पे लगा दिए थे धान। तो शिव जी भी कैसे मना करते, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है कर लो अपनी इच्छा पूरी। तो यहाँ पे लगा दिए थे धान की खेती। और ये पता है पूरे 12 मास मतलब पूरे साल भर ऐसे ही रहता है हमेशा, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। तो ये है माता पार्वती की धान की खेती। हर हर गंगे जय माता दी। और सामने पे आदि कैलाश दिख रहा होगा आपको। तो फिर गाइस यही था। और पार्वती कुंड तो बहुत दूर है भाई, अभी हमारे बस की नहीं है। गौरी कुंड तो हमारे बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है और हमें बहुत नीचे भी जाना है, क्योंकि गणेश नाला दोपहर के बाद 2 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए जाता है ना, तो हम नीचे चलते हैं। इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट ब्लॉग होने वाली ओम पर्वत के लिए, तो ओम पर्वत में मिलते हैं सीधे। कल का ट्रैक होगा हमारा ओम पर्वत का, ठीक है? लेट्स गो, बाय। प्रॉपर धान की है।